लंदन में छुट्टियां मनाकर वापस लौटिया के लिए यादव। उपचुनाव और बसपा के चैलेंज जैसी चुनौतियां सामने। अखिलेश का भाजपा को हराने का हर विकल्प रहा बेअसर। उपचुनाव जीतकर जनता में विश्वास बनाने की होगी कोशिश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लंदन से छुट्टियां मनाकर स्वदेश लौट आए, लेकिन उनकी वापसी पर उनके लिए चुनौतियां तैयार खड़ी। अखिलेश यादव के सामने दो सबसे बड़े काम हैं, एक यूपी में 12 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव की रणनीति बनाना और दूसरे बसपा से गठबंधन टूटने के बाद की स्थिति पर मंथन करना। क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद से अखिलेश ने अभी तक कुछ खास नहीं बोला, जबकि मायावती काफी कुछ बोलकर दूसरे कामों में लग चुकी है। तो एक तो अखिलेश को मायावती के उठाए सवालों का जवाब देना है और फिर आगे की रणनीति पर काम करना है। एक और काम है और वो ये कि 2019 चुनाव में मिली हार के कारणों पर नजर डालना। बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश यादव चुप भी साधे हुए हैं। उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के इल्जामों पर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है, जिसके बाद से अखिलेश यादव की आगे की रणनीति को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त की समीक्षा की जगह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव परिवार संग छुट्टियां मनाने लंदन चले गए, जिस पर सवाल उठे थे। लेकिन अब क्योंकि वो वापस आ गए हैं, तो सभी को उम्मीद है कि ये दो बड़ी बातें उनकी प्राथमिकता पर होगी, जिसे लेकर वो अपने संगठन से सलाह मशवरा करेंगे। उपचुनाव अखिलेश के लिए कई मायनों में खास है। एक तो इन चुनाव में सफलता हासिल करके वो जनता में सपा के खोए हुए विश्वास को जगाने का काम कर सकते हैं। वहीं उपचुनाव में जीत हासिल करके वो बसपा के कई सवालों का जवाब बिना बोले ही दे सकते हैं। लेकिन यहाँ उनके सामने मुश्किल ये है कि अब उनके सामने दो प्रतिद्वंदी हैं, एक प्रदेश की भाजपा सरकार और दूसरी बसपा। अब यूपी में जाति समीकरण और भी उलझने का अंदेशा हो गया। सपा को अब भाजपा और बसपा के राजनीतिक फैसलों पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो की नजर अब यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव पर है और वो चुनाव जीतकर एक बार फिर सूबे के सीएम बनने का सपना आगे रखकर चल रही है। गठबंधन टूटने के बाद वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल कहते हैं कि मायावती की आवाज मायने रखती है, क्योंकि वो जोर जोर से बोल रही है कि अखिलेश दलितों को भी अपने साथ नहीं रख पाए और मुस्लिमों को भी नहीं संभाल पाए, तो सपा के साथ जाना बेकार है। लिहाजा अब अखिलेश के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं जिनसे उन्हें निपटना होगा। रतन मणिलाल कहते हैं कि अब या तो अखिलेश मायावती की बातों को चैलेंज करें और उसे खारिज करें, फिर आगे की रणनीति बनाएं। सपा भाजपा को हराने के लिए हर तरह का विकल्प इस्तेमाल कर चुकी है, लेकिन नाकामयाब रही। कांग्रेस बसपा रालोद सबसे गठबंधन किया, लेकिन नतीजा सिफर। तो अब अखिलेश किस तरह सपा का गिराफ ऊपर लाते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा।